वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में इरशाद अली। साल 2018 के करंट अफेयर्स में चर्चित व्यक्ति, महत्वपूर्ण दिवस, इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो सरकार ने लॉन्च की हैं, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स, पर्यावरण के करंट अफेयर्स, ये सारी कैटेगरीज के करंट अफेयर्स इस वीडियो लेसन में आपको कंप्लीट मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कई सारे क्वेश्चंस यहां से आपके एग्जाम में बनने के पूरे चांसेस हैं। शुरुआत करते हैं, पहला सवाल डिस्कस करते हैं, किस शिक्षण संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने 21 अगस्त 2018 को सर्वोच्च A++ ग्रेड दिया है। तो यहाँ पर हर साल जो है रैंकिंग की जाती है, यहाँ पर ग्रेड के थ्रू जो है रैंक किया जाता है शिक्षण संस्थानों को, इंस्टीट्यूशंस को इंडिया में। तो ये A++ ग्रेड इस साल किसको मिला है? SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2021 की आम जनगणना के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ग की जनगणना अलग से कराने का निर्णय जो है केंद्र सरकार ने लिया है? केंद्र सरकार ने अभी OBC अदर बैकवर्ड क्लास यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना अलग से कराने का निर्णय लिया है, और अन्य पिछड़ा वर्ग दो OBC है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संशोधन विधेयक 2 अगस्त को लोकसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है? 123वां संशोधन विधेयक है जो लोकसभा में तो पास कर दिया गया है। अगला देखिए, किस केंद्रीय मंत्री को मीटू कैंपेन के अंतर्गत लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के दबाव में अपने पद से 17 अक्टूबर 2018 को त्याग पत्र देना पड़ा? इंपॉर्टेंट है MG अकबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स, सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसका किस भाषा का संस्करण 15 सितंबर 2018 को विमोचन किया गया है? तो इसका उर्दू भाषा में जो संस्करण है उसका विमोचन किया गया है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की गई है? पहले 3000 मिलते थे, अभी 4500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के चारे में समुद्री शैवाल खिलाया जाए, गाय को अगर चारे में समुद्री शैवाल खिलाया जाए तो उसके द्वारा मीथेन गैस के उत्सर्जन को काफी कम किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में ये बात कही थी? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये रिसर्च किया है कि गाय के चारे में अगर समुद्री शैवाल को मिला दिया जाए तो मीथेन उत्सर्जन जो होता है एनिमल्स के मुंह से वो कम हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, किस कंपनी ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन GSK कंपनी के हेल्थ फूड और ड्रिंक्स कारोबार का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो ये की है यूनिलीवर ने। किस संस्था ने गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्तरीय उद्यमिता जागरूकता अभियान उद्यम अभिलाषा की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा उद्यम अभिलाषा की शुरुआत किसने की है? आंसर होगा सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म पूछी जाती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलें, उत्तर प्रदेश के किन 3 नगरों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 जून 2018 को सम्मानित किया गया है? 3 जिले कौन से हैं? अलीगढ़ है, गाजियाबाद है, झांसी। झांसी में है, समतर आएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2018 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी भारत ने की है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारत ने इसको होस्ट किया है, मेजबानी की है, और इसका थीम क्या था इस साल का? ये था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। वैश्विक ऊर्जा पवन सम्मेलन 2018 का आयोजन किस नगर में किया गया है? हैमबर्ग में किया गया। ये कहां पर है? जर्मनी में है। अगला देखिए, किस स्थान पर वैश्विक जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन किया गया? USA में किया गया। किस मंत्रालय द्वारा स्वस्थ दिवाली, हरित दिवाली अभियान शुरू किया गया? ये पर्यावरण मंत्रालय। अक्टूबर 2018 में चर्चा में रहा तितली क्या है? तो तितली बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ एक चक्रवाती तूफान है, याद रखेंगे इसको, ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनियां विश्व भर में प्लास्टिक का सबसे अधिक कचरा फैलाने वाली कंपनियों में सबसे आगे हैं? कोका कोला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के अंतर्गत किस राज्य को सर्वाधिक स्वच्छ घोषित किया गया है? देखिए झारखंड को किया गया है, 2018 के स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है, इसमें झारखंड को पहली पोजीशन है, सेकंड पर है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है 18वें पर। केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2018 से शुरू हुई शोधार्थी योजना
का संबंध किससे है? तो ये आईआईटी और आईआईएससी जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ये, और इसमें जो पीएचडी कार्यक्रम है इसमें सीधा प्रवेश लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए शोधार्थी योजना जो है लॉन्च की गई है। असीता परियोजना का संबंध किससे है? असीता परियोजना यमुना नदी जो रिवर फ्रंट है उसके विकास परियोजना है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 को किस स्थान से राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ किया गया था? झुंझुनू, ये कहां पर है? राजस्थान में। भारत सरकार को राजस्थान परियोजना हेतु वैश्विक संस्था के $21.7 मिलियन के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? विश्व बैंक के साथ किए हैं राजस्थान परियोजना के लिए। नमस्ते शैलोम निम्नलिखित में से क्या है? तो नमस्ते शैलोम क्या है? भारत इजराइल संबंधों को समर्पित एक पत्रिका है, सिंपली कहेंगे पत्रिका है, मैगजीन है एक। न्यू इंडिया एट 2022 क्या है ये? ये नीति आयोग द्वारा एक जारी डॉक्यूमेंट का नाम है, न्यू इंडिया एट 2022। ये क्या है? एक नीति आयोग ने जारी किया है डॉक्यूमेंट। संवेदना क्या है? ये एक सैन्य आपदा राहत अभ्यास है। अगला देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 फरवरी 2018 को किन दो राज्यों के बीच विवादित महानदी जल विवाद के समाधान हेतु न्यायाधिकरण गठित करने की जो है मंजूरी दी है? 36 करोड़ उड़ीसा, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 जुलाई 2018 को उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर से किस महत्वाकांक्षी परियोजना का लोकार्पण किया गया? मिर्जापुर शहर से 10 किलोमीटर दूर है चंदईपुर, इसमें जो है बाण सागर परियोजना का लोकार्पण किया था प्रधानमंत्री ने। तो यहाँ पर ज़्यादातर प्रधानमंत्री ने बहुत सारी जो है कार्यक्रम लॉन्च किए हैं, स्कीम्स लॉन्च की हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसी वीडियो में हम देख लेंगे सारे। भारत सरकार द्वारा 2 अगस्त को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से भूमि जल के सतत प्रबंधन के लिए अटल भूजल योजना को अनुमोदित किया गया है? अटल भूजल योजना को किया गया है अनुमोदित विश्व बैंक के थ्रू, ठीक है। इसमें 6,000 करोड़ का जो है ऋण है, सॉरी यहाँ देखिए 6,000 करोड़ है इसकी कुल लागत इस अटल भूजल योजना की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए एक योजना लॉन्च की है 23 मई 2018 को, तो कौन सी है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक स्कूली शिक्षा के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? समग्र शिक्षा योजना। तो मानव संसाधन का नाम याद रखिएगा कि ये मानव संसाधन ने लॉन्च की है। प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2018 को किस राज्य की राजधानी में विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की? जी हाँ, रांची में की है, झारखंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न बैठक को किस देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न बैठक को देश में उच्च स्तर की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा जिसे कहते हैं, इसको किस वर्ष तक विस्तार देने का निर्णय लिया है? 2020 तक। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का शुभारंभ किस डेट को हुआ? 24 अप्रैल 2018 को। ये कब? जब जिस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, इंपॉर्टेंट है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। छतरी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो छतरी योजना है कृषि से संबंधित है, 2019 से लेकर 20 तक जो है इसको जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा 24 फरवरी 2018 को उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना के तहत किस उड़ान सेवा का उद्घाटन किया गया? अहमदाबाद दीव उड़ान, ये कहाँ है? एयर ओडिशा की एक ये उड़ान यहाँ लॉन्च की गई है। सरकार द्वारा वर्ष 2016 से 6000 करोड़ के आवंटन के साथ क्रियान्वित प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष तक चलेगी? 2020 तक चलने वाली है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किस रंग का बाल आधार 26 फरवरी 2018 को पेश किया? नीले रंग का बाल आधार जो है ये पेश किया गया है। अगला देखिए, किसके द्वारा 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जो है भारत में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया? तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। ये स्टेशन किस जिले में है? तो ये है सोनभद्र में। मुगलसराय स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय।
चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे ये है, एस्ट्रोजन क्या है? ये एक हार्मोन है। मानव शरीर में जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है। ये कहाँ पर है? काराकोरम पर्वत में है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा। अब ये कुछ यहाँ पर पासिस हैं, ये एग्जाम में एक पासिस आ जाता है कभी कभी, इसको देख लेंगे। तो जोजिला दर्रा है, जोजिला पास है जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल पास कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ये भी रोहतांग दर्रा हरियाणा में है। और यहाँ इसको आप जो है, एक सेकेंड देखिए, ये जो रोहतांग पास है आपका, ये कहाँ पर है? हिमाचल में है। इसको यहाँ सही कर लीजिए, हिमाचल। लिपू लेक दर्रा यानी लिपू लेक पास कहाँ है? उत्तराखंड में। और नाथुला दर्रा कहाँ है? ये है सिक्किम के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद एक पार्ट इसका और आ जाएगा। तो ये सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट जो लगती हैं एग्जाम में पूछी जाएंगी वो डिस्कस हो जाएंगी कंप्लीट। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।